हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा कि नारद मुनि बिल्कुल भी समय को व्यर्थ न गवाते हुए तुरंत व्यासदेव जी क्यों विषाद में हैं या क्यों असंतुष्ट हैं उसका तुरंत उन्होंने डायग्नोसिस किया और एक ही श्लोक में उनको बता दिया। अभी आगे के श्लोकों में वो तो भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि क्यों ये करना चाहिए उनको। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष के आगे है प्रेम। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर भी ले तो उससे क्या होगा? कल हमने बताया ब्रह्म ज्योति में स्थित हो जाएगा। इस संसार में भी देखते हैं कुछ लोग पूरी तरह विरक्त हो जाते हैं, संसार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या बड़ा बोरिंग जीवन है। तो इसीलिए वो लास्ट स्टेज नहीं है, उसके आगे है भक्ति, प्रेम। हम कर्म करते हैं, कर्म से शुद्ध होते हैं, शुद्ध होके ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब ज्ञान हो जाता है, संसार से थोड़ी विरक्ति होती है, तो ध्यान लगाते हैं। ध्यान के बाद क्या होता है? वैसे ही जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं और आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया और वो कहता है आया है, तो आप कहते हैं बैठिए। आपने वो आपके गेस्ट को बैठाया और आप सामने के वो एक सोफे में बैठा, आप बाजू सामने बैठ गए और वो भी कुछ एक्सपेक्ट कर और आप आके बैठ गए। तो उसको क्या सिग्नल मिलेगा? भगाना चाहता है कि रुकाना चाहता है? तो गेस्ट आपके घर में आएगा तो सिर्फ देखते रहेंगे कि उसको पूछेंगे कि पानी पिएंगे? ऑब्वियसली पूछना क्या, पानी पिए, पानी लेके आएंगे, कुछ कुछ स्नैक्स लेके आएंगे, या लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवा करेंगे। तो मोक्ष में आप समझ तो गए कि भगवान को, भगवान है, आप हैं, भगवान के साथ संबंध है, लेकिन सेवा कहाँ है उसमें? उसमें सेवा नहीं है। और सेवा नहीं होगी तो क्या होगा आपको पता? आप वापस आएंगे इस संसार में, क्योंकि बड़ा बोरिंग होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में कृष्ण से, ये जाके भी वापस आ जाएगा, सेवा नहीं करेगा। क्योंकि जब तक सेवा नहीं करेगा तब तक भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया है उसने। सिर्फ अगर मोक्ष प्राप्त करें तो उसमें आश्रय नहीं मिलता है। देखिए जैसे एक एक फ्लाइट होती है, एयरक्राफ्ट होता है, वो रनवे से चल के हवा में उड़ जाता है। अभी वो संसार से विरक्त हो गया, लेकिन क्या वो आसमान में रह सकता है? उसको नीचे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो उसने आश्रय नहीं लिया ना, ऊपर गया तो आश्रय कहाँ लिया। तो ऐसे ही मोक्ष में आने के बाद, अगर मोक्ष की परिस्थिति पे पहुंचने के बाद आश्रय नहीं लेंगे भगवान कृष्ण का, तो वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए शास्त्रों में बार बार बताया जाता है कि मुक्ति हो या मोक्ष हो, भक्त लोग उसको भी ध्यान नहीं देते। भक्तों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि भक्त तो ऑलरेडी चाहे बद्ध अवस्था में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो, वे वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। आप किसी भी अवस्था में हो, लेकिन अगर आप भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो फिर मुक्ति क्यों चाहिए आपको? तो इसीलिए, और ये जो स्टेज है प्रेम भक्ति का, ये ब्रह्मभूत अवस्था है। ब्रह्मभूत अवस्था मतलब क्या होता है? कृष्ण कहते हैं ना गीता में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, जो कभी शोक नहीं करता और इच्छा नहीं करता। शोक करता है
शुद्ध भक्त भी शोक करता है दूसरों की परिस्थिति को देख के। संसारी लोग जब भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो ये साधु वैष्णव शोक करते हैं, उनको दुख होता है। और इच्छा क्या होती है उनकी? जो भगवान की इच्छा है वही एक साधु की इच्छा होती है, वैष्णव की इच्छा होती है। भगवान की क्या इच्छा है? कि सारे जीव उनके पास वापस आ जाएं। तो इसीलिए वैष्णव जो हैं वो ये इच्छा को लेके संसार में आते हैं और प्रचार करते हैं। वो आश्रित हैं, वो इसीलिए नहीं आए कि यहाँ पे उनको भोग भोगना है या उनको आश्रय नहीं मिला। वो ऑलरेडी आश्रित हैं, वो आए हैं इसीलिए क्योंकि हमारा उद्धार हो सके। तो ये है प्रेम भक्ति। कोई हमसे पूछ रहा था कि मोक्ष और मुक्ति सेम है। यस, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। असली मुक्ति क्या है, असली मोक्ष क्या है? जब आत्मा ये समझ जाए कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास, तो मैं नित्य दास हूं कृष्ण का और कृष्ण की सेवा में लग जाए, इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति इसको नहीं कहते कि हमने घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया और किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको मोक्ष नहीं कहते। क्योंकि अगर ठीक है आपने संसार छोड़ा, भौतिकता को छोड़ा, लेकिन अगर आध्यात्मिक में आश्रय नहीं लिया तो वापस आएगा, तो बीच में कहाँ अटकेगा? बीच में तो अटक नहीं सकते। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वे क्या करते हैं, वे प्रचार कैसे करते हैं देखिए, वो सबको सेवा में लगाते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उन्होंने क्या किया, प्रसाद खिलाया, जप करवाया, क्लास सुनाया, उसके बाद सबको सेवा में लगाया। ये आचार्य का गुण होता है कि उनके पास एक कला होती है, वो सबको सेवा में लगा के रखते हैं, खाली नहीं बैठाते किसी को। तो सेवा में लग गया तो किसकी सेवा में लगा है? कृष्ण की सेवा में। भले बद्ध अवस्था में है तो क्या हुआ, कृष्ण की सेवा कर रहा है अगर गुरु के निर्देश अनुसार तो वो भी शुद्ध है, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम यानी बहुत जल्दी वो शुद्ध हो जाएगा, बहुत जल्दी वह धर्मात्मा बन जाएगा। तो इसीलिए हम बद्ध अवस्था में हो या शुद्ध अवस्था में हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में रह के भक्ति में लगना चाहिए, उनके अनुसार, अपने मर्जी से नहीं। यानी अपनी मर्जी होनी चाहिए लेकिन अपने मन के हिसाब से नहीं चाहिए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसमें फिर आप भी शुद्ध होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जल्दी शुद्ध होना चाहता है तो कैसे करना चाहिए, जो गुरु कहते हैं वो करना चाहिए, उससे क्या होगा, क्योंकि गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में आए। तो अगर हम गुरु की मान रहे हैं मतलब किसकी मान रहे हैं, कृष्ण की मान रहे हैं, और कृष्ण के वचन अनुसार सेवा करने को ही प्रेम भक्ति कहते हैं। प्रेम भक्ति ये नहीं होती है कि मैं अपने हिसाब से सेवा करूं कृष्ण की, नहीं, कृष्ण के हिसाब से कृष्ण की सेवा करूं, इसको प्रेम कहते हैं। आप किसी की सेवा करना चाहते हो तो उसके हिसाब से करोगे ना। आप कंपनी में जॉब करते हैं और आपका बॉस बोलता है कि ये वाला जो है सेवा करो, और आप वो सेवा छोड़ के दूसरा करते हैं, तो फिर तो काम नहीं चलेगा। आपके घर में कोई बड़े हैं आपसे और वो कहते हैं कि एक गिलास गर्म पानी ला के दो, और आप एक गिलास ठंडा फ्रिज का पानी ला के देते हैं, तो उसको सेवा नहीं कहते। तो सेवा प्रारंभ भी होती है, इसीलिए भक्ति या सेवा
प्रारंभ होती है गुरु के चरण कमलों में आश्रय लेने से। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं पहला अंग जो भक्ति का है 64 अंगों में वह है गुरुपाद आश्रय, गुरु के चरणों में आश्रय लेना। और यहां व्यासदेव जी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। व्यासदेव कौन है? तो वह साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। और वे जब असंतुष्ट हुए तो कहां गए? गुरु के पास। गुरु का स्मरण किया और गुरु वहां पे आ गए। और देखिए जब गुरु आए जीवन में, क्योंकि नारद मुनि प्रामाणिक गुरु हैं, कोई भी गुरु आने से कुछ नहीं होगा, परंपरा में होना चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक बल बना रहता है। हमने आपको बहुत बार उदाहरण दिया चार्जिंग केबल का, जो एडप्टर होता है वो जितना करंट लेता है पावर सॉकेट से उतना ही करंट वो पहुंचाता है केबल के माध्यम से फोन तक। ऐसा नहीं होगा इधर 100 यूनिट करंट निकल रहा है आपकी फोन को चार्ज करने के लिए और बीच में खत्म होते 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 लास्ट में पहुंचते 20 यूनिट हो गया, मतलब वो केबल अच्छा नहीं है, डिफेक्टिव केबल है। तो गुरु परंपरा का शुद्धता यही है कि जो संदेश कृष्ण ने दिया वो एज इट इज आ रहा है। अगर आप किसी गुरु से, किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं जो परंपरा में नहीं है तो कभी चार्जिंग होगा ही नहीं, भूल जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार बल दिए, शास्त्रों में बल दिया गया। प्रभुपाद ने क्यों बार बार बल दिया? क्योंकि स्पेशली कलयुग में प्रभुपाद ने देखा कि बहुत सारे ढोंगी गुरु घूम रहे, इसीलिए हमको सतर्क किया गया कि आप समझिए। तो प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेके उनके वचन अनुसार, क्यों उनके वचन अनुसार? क्योंकि उनके वचन कृष्ण से ही आए हैं, वो तो उनका मुख है लेकिन वचन कृष्ण से निकल रहा है। तो ये हम देखते हैं और ये मुक्ति है। अगर हम जितना परसेंट कर पाए, अगर हम प्रामाणिक गुरु की शरण पूरी तरह नहीं लिए, ठीक है 50% लिए, 50% में कर पा रहा हूं तो आप 50% मुक्त हैं। अगर आप 90% कर पा रहे हैं तो 90% मुक्त हैं। अगर आप 100% कर पा रहे हैं तो 100% मुक्त हैं, क्योंकि सेवा में लग गए भगवान। और हमेशा याद रखिए, सेवा करते हैं ना आप किसी की तो थोड़ा कष्ट होता है और उसको तपस्या कहते हैं। स्वेच्छा से शारीरिक मानसिक कष्ट लेना इसको तपस्या कहते हैं, जो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। भक्ति में प्रगति करना है तो तपस्या जरूरी है। तो हमको दुख भी मिल रहा है तभी भी हम सेवा करें, ये तपस्या है। तो ये करना चाहिए। अगर आप आरामदायक जीवन ढूंढ रहे हैं तो ये भौतिक संसार में संभव नहीं है, क्योंकि पूरा भौतिक संसार कैसा है? संसार दावानाल, ये दावानाल है। यहां चारों तरफ अग्नि लगी हुई है, आग लगी है जंगल में और हम बीच में फंसे हुए हैं। यहाँ पे आरामदायक जीवन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं प्रभा जी, एक सुंदर बात लिखते हैं, जो संतुष्टि है वो तो पहला पड़ाव है। लोग मोक्ष के पीछे जाते हैं, धर्म करते हैं, धर्म से पैसा कमाते हैं, अर्थ अर्थ से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो फिर सारी इच्छाएं तो पूरी होती नहीं। इच्छा
कुछ लोग कहते हैं भागवत में दक्ष प्रजापति का आता है, तो दक्ष प्रजापति कहते हैं नारद मुनि से, अरे भाई सारी इच्छाएं पूरी होने दो, भौतिक इच्छाएं, परेशान हो जाएगा, उसके बाद उसको विरक्त तो होने दो, आप पहले ही विरक्त कर दिया। आप समझ रहे बात को? दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र तपस्या करने जंगल में गए, नारद मुनि जी वहां मिल गए, उनको भक्त बना दिया, सन्यासी बना दिया, सब वहीं से सन्यास लेकर निकल गए। तो नारद मुनि घर आते हैं दक्ष के, और दक्ष को बताते हैं मैंने तुम्हारे बेटों को भेज दिया। हाँ, तो दक्ष को बड़ा क्रोध आता है, अभी 10,000 बेटे एक साथ भेज दिए, मैं तो राज्य कौन चलाएगा। बोले नारद जी ऐसा नहीं होता, वे संसारी थे, पहले संसारी लोगों को संसार में भोग भोगना पड़ता है, उसमें कुछ आनंद नहीं मिलेगा, पूरी तरह दुखी हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इस संसार से, तब जाके विरक्ति आएगी, वो उस विरक्ति का वैल्यू है, आपने पहले ही डाल दिया, अभी वो कच्चे हैं। तो नारद मुनि भक्ति का प्रभाव बता रहे कि अगर कोई भक्ति में लगा है तो उसको ये पूरा भुगतना नहीं पड़ेगा। तो वही बात हो गई कि आपको रसगुल्ला खाना है, 2 दिन बाद आप किसी के शादी में जा रहे हैं और उनका मेनू आपको पता पड़ गया और उन्होंने बताया कि मीठे में रसगुल्ला रखा है, तो आपने सोचा कि रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ले की मिठास को आस्वादन करने के लिए आपने 2 दिन पहले घर में रसगुल्ला बनाया, दूध लिया, उसको फाड़ दिया, छेना बनाया, उसको उबाल दिया, अब उसको चाशनी में डालने की बजाय आपने उसको नमक पानी में डाल दिया, और फिटकरी भी डाल दी, गरम गरम पानी है उसमें नमक डाल दिया, फिटकरी डाल दी, और ये रसगुल्ले का जो बॉल है इसको डाल दिया। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई जब ये खाऊंगा इससे मुझे दुख मिलेगा, ऐसा कैसा रसगुल्ला है, तभी तो जो 2 दिन बाद रसगुल्ला खाने वाला हूं उसका आस्वादन कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। क्यों आप ऐसा लंबा रूट लेना चाहते हो? और अभी तक तो दुख भुगत ही रहे हैं ना। तो एक आर्गुमेंट आता है दक्ष के प्रति कि दक्ष भाई साहब बोल रहे हैं ऐसा ऐसा कि दुख मिलने के बाद लोग विरक्त तो होते हैं, वैरागी हो जाते हैं, तो इस संसार में बताइए सबको दुख मिल रहा है, आप लोगों को भी दुख मिला, लेकिन विरक्ति तो आई नहीं अभी तक। अगर दुख से विरक्ति आती तो अभी तक सारे संसारी लोग विरक्त तो हो जाते ना, वो तो आई नहीं। तो इसीलिए ये प्रोसेस ही गलत है। तो क्या करना है? भक्ति करा के बाहर निकाल, आप सोचते हैं कि किसी को दुख मिलेगा वो उसके बाद वो आनंद की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, तो माया भ्रमित कर देगी। कहाँ हुआ देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति, लोग फ्रस्ट्रेट होके नशा करने लगते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड कर लेते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट होके पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कुछ और कर लेते हैं, लेकिन हमने तो नहीं देखा कोई फ्रस्ट्रेट हुआ तो मंदिर में आके भक्त बना, बिरला ही कोई आता है, वो भी उसकी जिसकी सुकृति होगी। चतुर्विधा भजन्ते माम गुणा सुकृतन अर्जुना, सुकृतिवान लोग आएंगे मेरे पास, हर कोई नहीं आएगा। तो अगर किसी का भक्ति का सुकृति है ही नहीं तो भगवान के पास नहीं आ सकता, मंदिर नहीं आएगा, चाहे कितना भी पीड़ित हो। आज देख रहे संसार में कितने लोग परेशान हैं, आप सिर्फ बाहर निकल जाइए अपने घर से, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान, 100% पॉपुलेशन इस भौतिक संसार में परेशान। तो अब आप जाके उन परेशान लोगों को बोलिए कि
अब जाके आप उन परेशान लोगों को बोलिए कि भाई साहब आप परेशान दिख रहे हैं, क्या करेंगे, नौकरी में मजा नहीं आ रहा है, घर गृहस्थी में मजा नहीं आ रहा है, पैसा ज्यादा मिल नहीं रहा है, परेशानी परेशानी, पुरानी गाड़ी में ऑफिस जाना पड़ता है, वो गाड़ी रास्ते में 2 बार खराब हो जाती है, फिर बेमौसमी बारिश हो जाती है, परेशानी परेशानी, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, सब्जी का रेट बढ़ गया, सब चीज का रेट बढ़ रहा है, परेशानी परेशानी। यानी वो गिना देगा आपको 1008 परेशानियां गिना देगा, फिर आप उसको बोलो कि मेरे पास आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन है, वो बोलेगा बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्योंकि वो क्या आशा रखता है, पैसा मिल जाए बस। आप उसको बोलो मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ, हाँ बस 1 करोड़ दो फिर आप जाओ, आप नरक में जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको 1 करोड़ दो। उसको लगता है 1 करोड़ से उसकी समस्या दूर हो जाएगी, अरे नई समस्या खड़ी हो जाएगी भाई। तो आप उसको बोलो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि आप भक्ति करो, वैसे ही तकलीफ में हो तो भक्ति करो, अरे नहीं हो सकता, अब जाओ जाओ, वो नहीं होगा हमसे, अब जाओ मैं चला लूंगा ऐसे ही काम, है कि नहीं। आप प्रचार करने जो जाते हैं तो दुनिया के परेशान आत्माओं को प्रचार करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग भक्ति उठाते हैं, ये प्रभाव है कलयुग का। व्यक्ति दुखी है, आप उसको आनंद का मार्ग ले रहे हो लेकिन नहीं लेगा, यही तो मूर्खता है संसार में लोगों का। लेकिन वैष्णव भी जिद्दी होता है, वो छोड़ता नहीं है, वो प्रचार में लगा रहता है, कोई भक्त बने या ना बने हम तो प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको तो भगवान ने कहा है ना, चैतन्य महाप्रभु ने, जा रहे देखो जा रहे देखो जा रहे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो जहां देखो क्या कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे यही देश, मेरी आज्ञा है आप गुरु बनो अपने जो स्थान का उद्धार करो। तो ये तो भगवान चाहते हैं महाप्रभु कहे, क्यों कहे, तो हम अपनी ड्यूटी करते रहे, दूसरा व्यक्ति भक्ति ना भी करे हम अपनी ड्यूटी करते रहे, सबको बताते रहे, हमको नहीं बताना कि कौन इनमें से भक्त बन जाएगा। कई बार हम ऐसे ही प्रचार करने जाते हैं तो कोई भक्त बन जाता है, कोई नहीं बनता, ज्यादा लोग नहीं बनेंगे, कलयुग है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बनेंगे, तो हम उन कुछ लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं बस। और बाकी लोगों का क्या, उनका क्या होगा, उनका भी होगा, क्योंकि जब आप उनको प्रचार कर रहे हैं, उनको भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, वो अभी तैयार नहीं है, लेकिन आप कृष्ण कथा से प्रसाद से आप उनको तैयार कर रहे हैं, आप उनको तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग को आप सेवा में लगा सकते हैं, वो भक्ति नहीं करूंगा चैंटिंग नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है चलो मंदिर का थोड़ा सेवा कर दूंगा, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जैसे कई बार किसी का बाईपास सर्जरी करना होता है, तो बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि पहले बॉडी को तैयार भी तो करना पड़ता है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता जब तक शुगर कंट्रोल में नहीं हो जाए, मान लीजिए शुगर हाई हो गया है तो। अगर आपका बीपी हाई है या लो है तो पहले बीपी को सेट करना पड़ेगा, तो बॉडी तैयार करनी पड़ेगी। बीज डालने के पहले खेत को तैयार करते हैं ना, फिर तो बीज डालते हैं, अब ऐसे ही डाल दोगे तो कुछ नहीं उगने वाला है। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं लेकिन खेत तैयार करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो वेस्ट नहीं है वो इन्वेस्टमेंट है। तो आप किसी व्यक्ति को जाके कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, आपने 10 लोगों को आज कृष्ण के बारे में बताया, आप लोग को प्रण लेना चाहिए कि रोज मैं 5 नए लोगों को कृष्ण के बारे में बताऊं। तो अगर आपने सोचो 10 लोगों को बताया उसमें से कोई भी भक्त नहीं बना तो निराश क्यों होना। एक एक व्यक्ति के साथ आपने 15-15 मिनट बात किया तो 150 मिनट, ये जो 2.5 घंटा आपने किया, ये क्या किया आपने, कृष्ण कथा किया, लेक्चर दिया आपने, तो वो व्यक्ति छोड़िए, लेकिन आप तो शुद्ध हो रहे हैं कृष्ण कथा करके।
और ये 10 लोगों को आपने थोड़ा थोड़ा सुनाया है, तो क्या हो रहा है इनके हृदय में? वो सुकृति बन रही है, वो अभी जमीन खेत तैयार हो रहा है, अभी बीज डालेंगे, बाद में अभी खेत तैयार हो रहा। तो जिनका नहीं है सुकृति, उनकी सुकृति हमें बनानी है प्रचार करके। आएगा वो आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन जुड़ेगा जरूर। बड़ा हमको एक बड़े प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए, वाइडर प्रोस्पेक्टिव से, छोटा नहीं देखना चाहिए। आप अपना रोल करो, दूसरे व्यक्ति अपना रोल करे। कई बार जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, बॉम्बे में बहुत सारे लोकल स्टेशन हैं, तो लोकल ट्रेन स्टेशन पे बुक स्टॉल लगाते हैं मैराथन महीने में। तो जो बॉम्बे जानता है, तो कोई व्यक्ति अंधेरी से जाता है चर्च गेट, क्योंकि उसका ऑफिस वहां पे। अब चर्च गेट में जब उतर अंधेरी में जब चढ़ता है ट्रेन में, जाने से पहले प्लेटफॉर्म पे आता है, वहां पे देखता है हरे कृष्णा वालों ने भगवत गीता का टेबल लगाया, और सिर्फ देखता है। फिर चर्च गेट उतरता है, वहां बोलता है फिर स्टॉल लगा हुआ है, तो उसको कोई भक्त थोड़ा 2-4 मिनट बात करता है। फिर शाम को वापस आता है, फिर देखता है अंधेरी पे यहाँ भक्त अभी भी खड़ा हुआ है, भगवत गीता का स्टॉल लगा है। ऐसा करते 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 2-4 दिन 1 हफ्ता देखता है। सिर्फ उसके देखने मात्र से, उसके सोचने मात्र से, और उसके बात करने से भक्तों से उसकी सुकृति तैयार हो जाती है, या तो 7 दिन बाद, या तो 15 दिन बाद, या तो 1 महीने बाद आके गीता लेके चल जाता है, पढ़ना चालू कर देता है। तो वो क्या हो रहा है? वो तैयार हो रहा है। तो हमें तैयार करना है। तो दक्ष को यही नारद मुनि बोलते हैं, कौन दुखी आदमी बताओ भक्ति लिया है? जब तक वैष्णव प्रचार नहीं करेंगे, तब तक वो भक्त नहीं बनेगा। तो कभी भी अपना उत्साह कम मत कीजिए। आप प्रचार करके आ रहे हैं, उधर खेत तैयार हो रहा है, बीज डाला जाएगा, अभी भी तैयार हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे इन्वेस्टमेंट होता है, 5 साल के लिए आप हर महीने 1,000 रुपये डालो, तो 5 साल बाद रिजल्ट आता है। तो ऐसा ही है, ये भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दूसरा सेवा है, आपकी सेवा है। कृष्ण ने आपको बोला है, आपके हमारे आचार्यों ने हमको बोला है कि आप जाओ और लाउड स्पीकर के जैसे प्रचार चालू करो, कोई सुने न सुने। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे, कोई नहीं भी सुन रहा है तो 4 दीवारें तो सुन रही हैं ना। अभी आप सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, जूम पे, फेसबुक पे आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं। अगर आप नहीं होंगे और मैं फिर भी अगर लेक्चर दे रहा हूँ, कोई नहीं है, लेक्चर दे रहा हूँ, 4 दीवारें सुन रही, नहीं भी सुन रही 4 दीवारें, तो मैं तो कृष्ण कथा बोल रहा हूं, तो बोलने वाले को तो शुद्धिकरण होगा ना, तो मेरा तो भला ही हो रहा है ना। तो इसीलिए प्रचार को रोके मत, उत्साह मत छोड़िए अपना। उससे क्या होगा, आप शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, शुद्ध भक्ति में लगे हैं, क्योंकि प्रचार करना ये भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेश है हमारे। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो लो, यार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में मनुष्य का जन्म मिला है, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपना जन्म सार्थक करो मॉर्निंग प्रोग्राम करके, और फिर दिन भर में परोपकार करो। तो हम शुद्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, शुद्ध भक्ति में लगे हैं, शुद्ध भक्तों के साथ हैं, शुद्ध प्रोसेस में लगे हैं, शुद्ध हरिनाम है, प्रसाद है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप शुद्ध हो जाएंगे। धीरे धीरे क्यों, जल्दी से शुद्ध होंगे, क्योंकि आप प्रोसेस में लगे हैं। अगर प्रोसेस छोड़ देंगे, नहीं नहीं मैंने कल 10 लोगों को प्रचार किया, किसी ने गीता भी नहीं खरीदा, कोई सुनता भी नहीं है, बोलने के बाद भी कुछ असर नहीं है, छोड़ दो, इससे अच्छा घर में बैठ के टीवी देखो, तो फिर नहीं होगा।
फिर शुद्ध भक्त बनने में टाइम लगेगा। फिर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में आपको बहुत समय लगेगा, क्योंकि आप आदेश नहीं मान रहे हैं भगवान का। भगवान शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में हमको लगाना चाहते हैं, हम नहीं मानेंगे। जैसे डॉक्टर होता है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया बॉडी में, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है ये आपको खाना है, ये नहीं खाना है, और ये दवाई लेनी है, और ये एक्सरसाइज करनी है, मान लीजिए चार चीज। अब जो नहीं बोला है खाने के लिए वो आप खा जाते हैं, जो बोला है खाने के लिए वो खाते नहीं, वो पसंद नहीं, तो फिर कैसे दवाई असर करेगी? लिमिटेड असर करेगी, करेगी जरूर लिमिटेड असर। अब वो बात अलग है कि चलो हम कहीं बाहर चले गए, यात्रा में चले गए, हमको डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन सबके लिए बना है, ठीक है, कभी कभी हो गया। लेकिन अगर डेली गड़बड़ होगा तो फिर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। पता नहीं कुछ कुछ लोगों को लगता है, क्यों मैं भगवान का आदेश सुनूं, क्यों गुरु का आदेश सुनूं, मैं किसी का आदेश क्यों सुनूं? सुन ही रहे हैं आप आदेश। अगर किसी को शुगर हो जाता है, डॉक्टर बोलता है, तो डॉक्टर का वचन जो होता है पत्थर की लकीर हो जाता है, ब्रह्म वाक्य हो जाता है। आप ट्रैफिक के नियम आपको पालन करने होते हैं, आप ट्रैवलिंग के नियम आप पालन करते हैं, अपने ऑफिस के नियम पालन करते हैं, घर में आपके गैस सिलेंडर है उसका नियम पालन करते हैं। जब तक घर में नीचे से नॉब चालू नहीं करेंगे तब तक ऊपर गैस नहीं आएगा और कुकिंग नहीं होगा। हर जगह आप नियम पालन कर रहे हो, सिर्फ भगवान का अगर हम आदेश पालन करेंगे तो फिर हमको बाकी चीजों का टेंशन नहीं, निकल जाएंगे यहां से। तो इसीलिए हमको प्रचार करते रहना चाहिए। जैसे नारद मुनि ने वेद व्यास को प्रचार करके श्रीमद् भागवतम का जो है अवतरण कराया, वैसे ही हम शुद्ध नहीं हैं लेकिन नारद मुनि की परंपरा में ही आ रहे हैं, और अगर प्रचार करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो शुद्ध भी हो जाएंगे और दूसरों का भी भला करेंगे। कालिया जब यमुना में रह रहा था तो भगवान ने दंड दिया, पहले कालिया के मुख से जहर निकला, फिर खून निकला, अब प्राण निकलने वाले थे। तो कालिया की पत्नियां आ जाती हैं, बच्चों को सामने करती हैं, क्योंकि बच्चों को देख के सबका हृदय पिघल जाता है, तो सोचे कि भगवान देखेंगे बच्चे आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर कालिया की पत्नियां बहुत सुंदर जो है प्रार्थनाएं करती हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है, आप पढ़िए कभी। तो एक जगह कहती हैं कि प्रभु क्या किया है इस कालिए ने, कुछ तो किया नहीं है। अरे आपकी कृपा तो उसको मिलती है जिसने तपस्या किया हो, तपस्या करने वाले को आपकी कृपा मिलती है, और किसको आपकी कृपा मिलती है? जिसने भक्ति किया, और किसको मिलती है कृपा? जो संसार के भले के लिए कुछ कर रहा है। नहीं, पहला है तो भक्ति में तो आ गया, पहला है तपस्या, दूसरा है नम्रता। जो तपस्वी है, जिसने तप किया है आपको प्राप्त करने के लिए, जो नम्र है दूसरों के प्रति, और तीसरा जो दूसरों का भला चाहता है, जा जाके प्रचार करता है, ऐसे ही व्यक्ति को आप प्रभु अपनी कृपा देते हैं। तो जब हम लग जाएंगे भगवान की सेवा में उनके और उनके प्रतिनिधियों के आदेश अनुसार, तो भगवान क्या देखेंगे कि ये तैयार हो रहा है, हम भी तैयार हो रहे हैं, हम दूसरों को भी तैयार कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी माता पिता बाहर जाते हैं और दो बच्चे घर में हैं, एक 10 साल का है, एक 6 साल का है, दोनों को स्कूल जाना है जल्दी जल्दी उठ के। तो जो 10 साल वाला लड़का है वो तो उसको जिम्मेदारी निभानी होती है, माँ बाप बोलते हैं कि तुम थोड़ा जिम्मेदारी निभाना और इसको भी तैयार करके स्कूल ले जाना, ठीक है। तो वैसे तो
वैसे तो ये 10 साल वाला लड़का भी सवेरे उठता नहीं है, लेकिन क्योंकि माँ बाप नहीं है, इसको जिम्मेदारी दे के गए हैं, ये जिम्मेदार है कि नहीं है पता कैसे पड़ेगा? अब पता पड़ेगा। अब ये 6 बजे उठ जाता है, क्योंकि 7 बजे इनको निकलना है स्कूल के लिए, 8 बजे स्कूल है। 6 बजे उठता है, भाई को उठाता है। अब भाई तो उठता नहीं, छोटा सा है, 4 साल का। हाँ, धीरे धीरे उसको उठाता है, लाइट चालू करता है, उसको थोड़ा पानी पिलाता है, खुद भी ब्रश करता है, उसको भी ब्रश कराता है, गर्म पानी करता है, खुद नहाता है, फिर भाई को नहलाता है, खुद भी कपड़े पहनता है, भाई को भी तैयार करवाता है कि नहीं? तो खुद भी अपना कर रहा है और दूसरे को भी साथ में लेके चल रहा है। तो माँ बाप इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं? अगर मान लीजिए 10 साल का है और अपना उठ के तैयार होके चला गया स्कूल, और दोपहर में माता पिता आते हैं, छोटा बच्चा घर पे, भाई तो स्कूल का नहीं गया, बोले मेरे को दादा ने उठाया ही नहीं, अब भैया ने उठाया नहीं मेरे को, तो माता पिता आपसे खुश होंगे? आप भले स्कूल गए, गोल्ड मेडल लेके आए, तो भी माता पिता आपसे खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने परोपकार नहीं किया दूसरे के लिए, सिर्फ अपने लिए सोचा, मैं अपना भक्ति करूंगा, मैं अपना लेक्चर सुनूंगा, अपना ग्रंथ पढ़ूंगा, भगवत धाम निकल जाऊंगा। नहीं जाएगा भगवत धाम ऐसा व्यक्ति, जब तक परोपकार नहीं करेगा तब तक जाएगा नहीं, क्योंकि वहां भाव ही वो है। वहां जाके आप अपना अपना सेल्फिश मोटिव निकालेगा, अपने लिए करना अपने लिए करना, तो वैकुंठ में नहीं रह सकते। इसीलिए यहां से वीजा नहीं मिलेगा वैकुंठ जाने का। आप कुछ सोचिए, तो इसीलिए हमको प्रचार पे लगना चाहिए। प्रचार हो ना हो वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, वो भगवान का जिम्मेदारी। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, वो व्यक्ति जिसको आप भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं, भगवान उसके हृदय में भी बैठे हैं और आपके हृदय में बैठे हैं। तो आप अपना कार्य करो, फल की इच्छा क्यों करते हो? भगवान तो कहते हैं ना, कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो, लेकिन अपना प्रयास तो डालो। इसीलिए प्रभुपाद जी इतने प्रिय हैं। देखो प्रभुपाद जी कितना प्रयास किया कृष्ण भक्ति को स्थापित करना। आज तो बड़ा सरल है, आज तो आप लोगों को जाके बोलेंगे भगवद गीता तो लोग ले भी लेंगे, इसको उनको पहचानते हैं, पहले नहीं था। तो इसीलिए हमको दूसरों को जब हम प्रचार करेंगे तो ये ब्रह्मभूत अवस्था बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। जिसमें ज्यादा समय लगना था अब वो बहुत जल्दी प्राप्त हो गया, ब्रह्मभूत अवस्था आपको, आनंद की अवस्था। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों के प्रति परोपकार किया है, शुद्ध भक्ति का संदेश दिया है। यही नारद मुनि कह रहे हैं वेद व्यास से कि आप शुद्ध भक्ति का संदेश दीजिए। और नारद मुनि ने और व्यास देव ने इतना सब कुछ करने के बाद असंतुष्ट थे, तो हम भी सब कुछ करने के बाद असंतुष्ट रहेंगे? जब तक दूसरों को शुद्ध भक्ति का आदेश नहीं देंगे, उपदेश नहीं देंगे, उनको प्रचार नहीं करेंगे, उनको लेके नहीं आएंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। एक बार आप प्रचार करना चालू कर दिए, लोगों को जोड़िए, आप देखिएगा कि आपके दुख तो किधर गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, मैराथन में गीता का प्रचार कीजिए, हरि नाम का प्रचार कीजिए। इस प्रचार से क्या होगा? भगवद गीता में क्या है, क्या चीज भगवद गीता में हम सबको दे रहे हैं? भगवद गीता में भगवान की वाणी है, भगवद गीता में आचार्यों की वाणी है, भगवद गीता में प्रभुपाद की वाणी है। और भगवद गीता इतना सरल और प्रैक्टिकल है कि हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमको ज्ञान मिलेगा, हम जब दूसरों को देंगे उनको ज्ञान मिलेगा, उनको धर्म के बारे में समझ में आएगा, वो धर्म की राह पे चलेंगे। ऐसा चलते 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 धीरे धीरे पूरा संसार जुड़ जाएगा, फिर कोई अधर्म नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, जीवन अच्छे से चलता रहेगा। वही हमको करना है। हरे कृष्ण।